जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर मुसलमानों के खिलाफ कुछ न हो, CAA पर रोक लगाए मिलोट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम संगठन। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू होते ही इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। IUML ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन देकर कहा है कि ये कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है, ये मुस्लिमों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन ना लिया जाए। बता दें कि CAA की धारा 6B की वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले में IUML भी शामिल है। 2020 में कानून बनने के बाद से ही संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि लंबे समय से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। केरल के राजनीतिक दल IUML ने दावा किया है कि इस कानून में मुस्लिमों को नाम शामिल करके उनके साथ भेदभाव किया गया है। यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है जो कि संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वहीं शरणार्थियों के मामले में भी भेदभाव किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला आए बिना ही केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया। वहीं इसमें अगर खामियां नहीं थी तो केंद्र सरकार को 4 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा। IUML ने कहा अगर कोर्ट फैसला करता है कि CAA असंवैधानिक है तो जिन लोगों को तब तक नागरिकता दी जाएगी उनसे नागरिकता छीन भी ली जाएगी। इसलिए जब तक शीर्ष न्यायालय में इस कानून की वैधता पर फैसला नहीं हो जाता इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि लगभग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की है। इस कानून के मुताबिक दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक तरीके से नागरिकता देने का प्रावधान है। पहले से ही कहा जा रहा था कि आम चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार CAA को लागू कर देगी। आपको बता दें पिनरई विजयन और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अपने राज्यों में वो इसे लागू नहीं होने देंगे।